दोस्तों, मैं हूं आपका इकबाल। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पबजी टेस्ट। मेरे पास है इन्फिनिक्स का नोट 7, जो मेरे दोस्त यूज में लेना चाहते हैं। जाहिर है ये मॉडल थोड़ा सा पुराना हो गया है दोस्तों, 2020 का मॉडल है ये। अगर कोई इसको यूज में खरीदना चाहता है तो मैं आपके लिए ये डिसीजन काफी ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करूंगा कि आप इसको बाय करें या नहीं करें। परफॉर्मेंस के हवाले से दोस्तों, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी टाइमिंग सारी टोटली बात करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट देख, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ गेम और मजीद बात करेंगे। तो दोस्तों, गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सेटिंग्स में आते हैं दोस्तों, ग्राफिक्स। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आया है HD और हाई पे। स्मूथ पे अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाएगा हमें, और एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। दोस्तों, प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें हेलियो G70, जो कि इस रेंज में मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है ये। इसमें कम अज़ कम इस तरह का इशू नहीं होता। डे टू डे यूज़ अगर आप करते हैं फ़ोन को, तो ये इसमें लैग वगैरह करने का, फ़ोन को हैंग करने का मसला मसाल बहुत ही कम है देखने को। दोस्तों, गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। डिस्प्ले भी मोबाइल फ़ोन का बहुत ही ज़बरदस्त है। HD+ रेजोल्यूशन है। कलर के हवाले से मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा फ़ोन। ये गेम की ग्राफिक्स जो है, कलर वगैरह काफ़ी खिले से आ रहे हैं, देख सकते हो आप। गेम एक्यूरेट चल रहा है इसमें। स्मूथ अल्ट्रा पे रखा है मैंने, यानी कि 40 FPS आ रहा है इसमें, और ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी जो नए मॉडल कुछ आ रहे हैं उनमें इन लोगों ने प्रोसेसर के हवाले से बिल्कुल ही थकेले प्रोसेसर लगा दिए हैं। ये हेलियो का G70, G80, G85, G88, ये दोस्तों सारे तकरीबन एक ही परफॉर्मेंस के प्रोसेसर हैं। बहुत ही माइनर सा फ़र्क है इनमें परफॉर्मेंस के हवाले से। तो अगर आप इनमें से कोई डिसाइड कर रहे हैं जिसमें G70 हो, G80 हो, G88 हो, तो आपका डिसीजन काफ़ी ज़्यादा इजी होना चाहिए। एक ही ऐसे हैं प्रोसेसर सारे। दोस्तों, बैटरी की बात करूँ, 5000 mAh की बैटरी है, तगड़ी। चार्जिंग जग यहाँ नॉर्मल दिया गया है, USB वाला, Type-C नहीं है यहाँ पर। दोस्तों, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 18 वोल्ट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ा चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं ज़रा जायरो भी ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कि जायरो इसमें है भी या नहीं है, और अगर है तो कैसा है। ऑलवेज पे रख लेता हूँ दोस्तों, जायरो प्ले रूम है भी आपकी तरह। तो जायरो इसका बहुत ही मज़ा लगा मुझे। इसमें फिजिकल जायरो है, सॉफ्टवेयर वाला नहीं है। तो जायरो इसका देखें बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है। इसमें ज़रा भी एक 0.02 पे भी समझ लें कि इसका जो है डिले नहीं है। मज़ेदार है काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों, इसमें एक सिंगल स्पीकर दिया गया है, स्टीरियो स्पीकर नहीं है। हैंड फ्री जैक भी है इसमें फ़ोन में। अगर बात करूँ कैमरा की, बैक कैमरा इसका 48 MP का है, फ्रंट 16 MP का है। कैमरा क्वालिटी तो सिमिलर ऐसी है जैसे आपने देखा होगा इन्फिनिक्स टेक्नो के नॉर्मली डिवाइसेस में होते हैं। कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है, ना कोई इतना अच्छा है, ना कोई एवरेज है कैमरा। बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे बेहतर लगा दोस्तों। मेरे पास जो वेरियंट है ये है 6 GB रैम में और 128 GB इसकी स्टोरेज है। आपको ये भी यहाँ बताता जाऊँ कि दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का कोई वेरिएंट है जिसमें 4 GB और 64 GB का है वेरिएंट, तो उसमें भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको, क्योंकि इन दोनों में परफॉर्मेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, मल्टीटास्किंग के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में तो अभी डॉलर के प्राइस के हिसाब से भी फ़ोन बहुत ही हाईफाई रेट में चल रहे हैं। आपकी कंट्री में आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या प्राइसेस हैं यूज़ में और न्यू कितने का था लाजमी आपको आप बताइएगा मुझे। पाकिस्तान में अभी अगर आप यूज़ में भी इसको लेते हैं तो तकरीबन 20,000 से ऊपर की डिवाइस है।
हालांकि जब ये न्यू आया था 2020 में तो तकरीबन ये 23 से 24 हज़ार रुपये का था, यानी कि 2 साल चलने के बाद भी इसने अपने प्राइस जो है रेट तोड़े नहीं है। और उसकी वजह ये है कि डॉलर की प्राइसेस जो कि पाकिस्तान में आए दिन इंक्रीज़ हो रही होती है। 11 दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी डिले नहीं है 11 के अंदर। IPS पैनल है दोस्तों, IPS पैनल का जो मुझे मेन बेनिफिट जो लगता है वो ये है कि अगर डैमेज वगैरह कभी हो जाता है तो मसला मिसाल होता है, एटलीस्ट ये मार्केट में सस्ते प्राइस में मिल जाता है। पाकिस्तान में इस डिस्प्ले की प्राइस तकरीबन 3500 है और इंडिया में कितनी है दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अरे भैया 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 घेर घेर के मारा, ये साला बोर्ड कहाँ से आ गया? मुझे लगता है हमें कोई रिवाइव करने वाला भी नहीं होगा आई थिंक। दोस्तों कैसा लगा आपको इन्फिनिक्स का नोट 7? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपके लिए कोई हेल्पफुल है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।